दादा के निधन के अगले ही दिन सलून जाने पर निशा को किया गया था ट्रोल। अब अजय देवगन ने कही ये बात। सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा हमेशा से ही रही हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर तो कभी मेकअप की वजह से हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता है। इस साल मई में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का निधन हो गया था। दादा के निधन के अगले ही दिन निशा को सलून से हंसते हुए बाहर आते देखा गया। फिर क्या था, यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। कुछ का मानना था कि बॉलीवुड सेलेब्स के अंदर संवेदनाएं ही खत्म हो गई हैं, तो कुछ ने कहा कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या संस्कार दिए गए हैं। इस घटना के लगभग 7 महीने बाद अजय देवगन का बयान आया है। अजय ने एक बार फिर उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने बताया उस दौरान बच्चे काफी रो रहे थे और पिता के निधन के एक दिन बाद उन्होंने ही बेटी को बाहर भेज दिया था ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। अजय देवगन ने कहा फोटोग्राफर सैलून में घुस गए और सवाल करने लगे, यह उनका अधिकार है क्या? मैंने उसे इसलिए भेजा ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वो घर आई तब तक फोटो वायरल हो चुकी थी और वो बहुत परेशान थी। अजय देवगन अपने परिवार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं। इससे पहले जब निशा को उसकी ड्रेस को लेकर ट्रोल किया गया तो अजय देवगन ने कहा था वो सिर्फ 15 साल की है, लोग ये भूल जाते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। उसने लॉन टी शर्ट पहनी थी, साथ में शॉर्ट्स भी था। टी शर्ट ज्यादा लंबी थी इसलिए शॉर्ट्स दिखे नहीं और लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें कि निशा अभी केवल 16 साल की है, वो सिंगापुर से स्कूलिंग कर रही है। वहीं अजय देवगन का बेटा युग की उम्र 8 साल है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन काजोल के साथ तानाजी द अनसंग वॉरियर में नजर आने वाले हैं। इसके बाद वह रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में बाजीराव सिंघम के किरदार में नजर आएंगे।